नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूं एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं इस टॉपिक को लेकर। मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे मेल्स आते हैं अबाउट द डेटा रिकवरी। जी हाँ, कि ये जो हमारे DVR होता है, NVR होता है, क्या उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव होती है, क्या उसके डेटा रिकवर किए जा सकते हैं, क्या वो जो डेटा है ओवरराइट होने के बाद में रिकवर किए जा सकते हैं, या फिर अगर कोई हमारे जो हार्ड ड्राइव है अगर उसको फॉर्मेट मार दे तो क्या वो डेटा रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और आज एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सब लोगों के लिए कि कौन से डेटा कौन सी कंडीशन के अंदर हम रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं डेटा को रिकवर करने के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के हमारे इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। सो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक प्यारा सा कमेंट देना है कि आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर आप और कौन कौन से टॉपिक पर इस तरह के इंफॉर्मेटिव ऑथेंटिकेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको देखने के बाद में या फिर बीच में पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे मेन थिंग कि जब भी आप ये सोचते हैं, आपके दिमाग में ये चीज आती है कि आपको डेटा रिकवर करना है तो वहां पर कंडीशन क्या है, मतलब कुछ तो आपके साथ में हुआ है इस वजह से आपके दिमाग में ये सवाल आया है। तो सबसे पहले होता है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो खराब हो गई है कोई भी टेक्निकल रीजन की वजह से। वो हार्ड ड्राइव बुटअप नहीं हो रही, वो हार्ड ड्राइव के अंदर क्लिक की एक साउंड आ रही है, वो हार्ड ड्राइव ओवर हीट हो रही है, वो हार्ड ड्राइव बहुत स्लो वर्क कर रही है, तो इस तरह के कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि कोई फिजिकल डैमेज हो गया है, हार्ड ड्राइव थी वो हाथ से गिर गई है, हार्ड ड्राइव थी वो फायर डैमेज हो गई है, हार्ड ड्राइव पानी में डूब गई है, या फिर हार्ड ड्राइव के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल उसके ऊपर कुछ हुआ है जिस वजह से डेंटिंग है। सो एक ये रीजन भी हो सकता है। तीसरी चीज आती है कि कहीं ना कहीं कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो ओवरराइट हो गई है, मतलब कि आपने जब हार्ड ड्राइव को रिकॉर्डिंग में डाला था और आपके पास में 1 महीने का बैकअप रहता था तो उसकी जगह पर आपके पास में वो जो डेटा थे वो वाइप ऑफ हो गए, उसके ऊपर नए डेटा आ चुके हैं। दूसरा हो सकता है कि आपने या फिर किसी और ने उस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। सो यही रीजन होते हैं जब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या मेरे डेटा रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि आज की तारीख में जो डेटा होते हैं कई लोगों के लिए वो अमूल्य होते हैं, जिसकी कोई प्राइस नहीं होती, वो कोई भी प्राइस के ऊपर अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हैं। सबसे पहली कंडीशन पे बात करते हैं यहां पर कि जब भी आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो टेक्निकल रीजन की वजह से अगर डैमेज हुई है, नहीं चल रही है, तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर की कंडीशन कैसी है, मतलब कि उसके अंदर जो फॉल्ट हुआ है वो किस तरह का फॉल्ट हुआ है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 80% चांसेस होते हैं आपके डेटा रिट्राइव करने के, यानी कि आपके डेटा वापस से रिकवर हो जाएंगे। दूसरा होता है आपका फिजिकल डैमेज, तो वो भी यही पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है कौन से लेवल पर डैमेज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने उसको इतना जोर से पछाड़ा है कि उसके अंदर की जो मेटल डिस्क है जिसके ऊपर आपके डेटा होते हैं वो ही टूट गया है, तो वहां पर फिर बात ही खत्म हो गई कि आपके डेटा आपको वापस से रिट्राइव होके मिलेंगे। तीसरा यहां पर आता है कि किसी ने आपकी जो डेटा है, आपकी जो हार्ड ड्राइव है, उसको फॉर्मेट कर दिया है। जो फॉर्मेट हुआ है उसके अंदर ज्यादातर 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं जो उसको पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। एक होता है आपका क्विक फॉर्मेट और एक होता है आपका हार्ड फॉर्मेट। जो क्विक फॉर्मेट होता है, जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, जिसको सॉफ्टवेयर फॉर्मेट भी एक तरह से कहा जाता है, ज्यादातर हम लोग वही परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर आपके जो डेटा है वो रिट्राइव होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एक चीज और नोट करिएगा कि ये जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 1 TB की हार्ड ड्राइव है या फिर 2 TB की हार्ड ड्राइव है, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 TB के अगर आपके डेटा है तो वो 2 TB के 2 TB पूरे के पूरे रिकवर हो। यहां पर कई बार चांसेस होते हैं कि हो सकता है आपके पास में सिर्फ 500 GB के डेटा है, हो सकता है 1000 GB के डेटा है, हो सकता है 1200 क्या है, हो सकता है 1500 क्या है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो फिजिकल कंडीशन है हार्ड ड्राइव की, उसके अंदर कितनी इमेजेस पेंडिंग में है, क्या उसके साथ में हुआ है। सो ये कंप्लीटली
जिसको बोल सकते हैं कि कंडीशनल होता है कि जो कंडीशन होगी उस हिसाब से ही आपके डेटा रिट्राइव होंगे। तो यहां पर कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि जितने डेटा गए थे उतने ही डेटा आपके पास में रिटर्न आने वाले हैं। तीसरी चीज होती है आपकी ओवर रिटर्न, जो हम ज्यादातर फेस करते हैं सीसीटीवी के अंदर, क्योंकि हमारे जो डेटा है वो रेगुलरली ओवरराइट होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर एक महीने का बैकअप है, तो अगर आज 1 जून है और आपके पास में 1 अप्रैल के जो डेटा थे, तो 1 अप्रैल के डेटा के ऊपर 1 जून का डेटा ओवरराइट हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर एक साइकिल अगर आपका ओवरराइट हुआ हो, मतलब कि 1 अप्रैल के डेटा के ऊपर अगर 1 जून का डेटा चढ़ गया है, सो इट कैन बी रिकवर, मतलब इसको हम वापस से ला सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल हो गया है, मतलब कि समझ लीजिए कि 1 जुलाई का डेटा 1 जून पे चला गया और 1 अप्रैल का ऑलरेडी उसके नीचे था, मतलब 1 अप्रैल के ऊपर 1 जून का आया, 1 जून के ऊपर 1 जुलाई का आया, सो ये जो अप्रैल वाला है ना उसको आप भूल जाओ, ये आपको कभी भी कोई भी कंडीशन में रिट्राइव नहीं होता है। अभी फिलहाल ऐसी कोई चांसेस नहीं है कि वो डेटा आपको वापस से रिकवर होके मिले सीसीटीवी में स्पेशली। तो आप यहां पे ये मान के चलिए कि अगर एक साइकिल है सो उसका डेटा रिकवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये चीज तो समझ में आ गई कि कौन से डेटा हम लोग रिकवर कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां पर जो रिकवरी होती है वो कितनी तरह की होती है। अब यहां पर जो रिकवरी होती है वो 2 तरह से होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर रिकवर, दूसरा होता है हार्डवेयर रिकवर। जो सॉफ्टवेयर रिकवर होता है, आज की तारीख में मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं जो ये क्लेम करती है कि हम आपके डेटा को रिकवर करके देते हैं, अगर आपने फॉर्मेट कर दिया है, रीनेम हो गया, उसके ऊपर चढ़ गया, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो वो ज्यादातर 95% सॉफ्टवेयर रिकवरी होती है। मार्केट में बहुत सारे पेड अनपेड टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इस तरह के डेटा को रिकवर करवा के देते हैं, जिसके अंदर डिस्क ड्रिल हो गया और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जब आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर अलग अलग कंपनी है जो इस तरह के डेटा को बैकअप लाने के लिए परफॉर्म करवाती है ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ में, तो वो ही होता है यहां पर। अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो अगर मेरा पर्टिकुलर देखने चाहते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर पे डेटा रिकवर होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे और लाइक मुझे अच्छे मिलेंगे तो जरूर इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। दूसरा होता है हार्डवेयर रिकवरी। अब ये जो हार्डवेयर रिकवरी है वो बहुत ही क्रिटिकल है। आप ऐसा मान लीजिए कि किसी पर्सन को अटैक आया है, उसके हार्ट की जो सिचुएशन, उसमें नली ब्लॉकेज है, तो एक होता है हम लोग जब उसको उसके ऊपर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, और एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी करना। सो रिस्की कौन सा है, बट ऑब्वियसली ओपन हार्ट सर्जरी करना, तो हार्डवेयर जो रिकवरी होती है वो भी ओपन हार्ट सर्जरी की तरह, इसके लिए एक वेल क्वालिफाइड टीम होती है, उसके साथ में वेल क्वालिफाइड मतलब एक अच्छी लैब होती है जिसके अंदर इस चीज को परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि आप ये समझ ले कि वो जो चीज है वो सीधी एक ब्रांड ही कर सकती है। हर कोई हार्डवेयर से पूरा ओपन करके हार्ड ड्राइव को उसमें से डेटा को रिट्राइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है, सिवाय कंपनी के जिनके पास में इतना बड़ा लैब होता है और उसके अंदर ये सब चीजें परफॉर्म होगी। तो अब यहां पर आपके ये मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या जो कंपनीज है, चाहे आप सीगेट यूज कर रहे हैं, चाहे आप WD यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी ब्रांड के हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो क्या वो लोग आपके लिए करेंगे? तो इंडिया के अंदर मैं आपको जवाब दूं, हमारे देश के अंदर, कि वो फैसिलिटी जो है वो पेड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो अलग है कि अगर वो पे कर रहे हैं तो आपको उतना डेटा देना ही है। सो कुछ इस तरह की मेंटेलिटी होते हुए यहाँ पर कंपनीज ने स्ट्रिक्टली डिसीजन है उनके कि उनकी जो हार्ड ड्राइव है, फॉर एग्जांपल हम लोग पर्टिकुलरली आज बात कर रहे हैं कि सर्विलेंस के बारे में बात होती है हमारी ज़्यादातर, तो सर्विलेंस के अंदर स्काई हॉक, मैं सीगेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्काई हॉक के अंदर आपको रेस्क्यू मिलता है, 3 साल की तो वारंटी होती है, अगर वो 3 साल के अंदर आपका डेटा अगर आप रिकवर करवाना चाहते हैं तो आप 1 टाइम करवा सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है वो अप्लाई होता है 2 टेराबाइट के बाद में, मतलब कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की है तो यहां पर जो डेटा रेस्क्यू का इनका जो पैकेज है वो यहां पर अप्लाई नहीं करता फॉर द 1 टेराबाइट। 2 टेराबाइट के ऊपर की हार्ड ड्राइव, चाहे आपकी स्काई हॉक नॉर्मल हो गई या फिर स्काई हॉक AI हो गई, आप वहां पर अपने डेटा 1 टाइम के अंदर रिकवर करवा सकते हैं। जैसे कि AI हार्ड ड्राइव के बारे में बात करें, सीगेट की सर्विलेंस हार्ड ड्राइव AI आती है, उसकी वारंटी 5 ईयर होती है, लेकिन आपको जो डेटा रेस्क्यू का जो इसका जो प्लान है वो
आपको सिर्फ 3 साल के लिए मिलता है। सो ये इकलौती कंपनी है मार्केट के अंदर जो कि खुद बोलती है कि हम आपके डेटा को वन टाइम रिकवर करके देंगे। बाकी अगर आप डेटा को रिकवर करवाना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी कंपनीज है जो आपके लिए काम करती है, उनके पास में कई तरह के अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, कुछ वो हार्डवेयर पे जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव किस हद पर कहां पर जाकर डैमेज हुई है। सो इसके बेस के ऊपर वो आपको रिकवर करवा के दे सकते हैं। बट हियर इज कोई भी यहां पर कंफर्मेशन नहीं है कि आपके डेटा 100% रिकवर हो जाएंगे। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डेटा आपके पास में वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो ये कंप्लीटली मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन और कैसी हो सकती है, पूरा कंडीशनल है। सो अगर आप आपके डेटा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको पहले से ही पता है कि नहीं आपको डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर कल को हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई तो आपके लिए मतलब बहुत नुकसानदायक होगा, तो आप यहां पर जो रेड होता है, रेड फंक्शन जो होता है हर NVR NAS के अंदर आपको मिल जाता है कि आप वहां पर रेड यूज कर सकते हैं कि एक हार्ड ड्राइव के डेटा आपके एक में तो रहेंगे साथ साथ में दूसरी में भी कॉपी होते रहेंगे, पूरा प्रोसेस है। अगर इसको भी अगर समझना चाहते हैं ये रेड क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म करता है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मैं जितना सोच सकता हूं, जितने कमेंट पढ़कर मुझे आइडियाज आते हैं अबाउट द नेक्स्ट हमारा वीडियो कौन से टॉपिक पे होगा, तो मैं बनाता हूं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम लोग रेड के बारे में भी अच्छे से डीप में बात कर पाएंगे। सो आप रेड यूज करिए। देखिए यहां पर प्राइस इज नॉट अ मैटर, क्योंकि आप जितनी फैसिलिटीज ज्यादा चाहेंगे बट ऑब्वियस है प्राइस आपकी हाइक होती जाएगी, लेकिन अगर जिसके लिए डेटा, क्योंकि आज की तारीख में डेटा सबसे बोल सकते हैं कि महंगा है, और आज पूरा डेटा का ही तो बिजनेस हो रहा है। आज YouTube पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो बिकॉज ऑफ YouTube कहां से कमा रहा है, मेरे डेटा से कमा रहा है। आप लोगों के डेटा उसके पास में, आपके पूरा का पूरा प्रोफाइल उनके पास में सेव है कि आप किस तरह के वीडियोज देखना पसंद करते हो, तो आप हमने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप जिस तरह के वीडियोज देखना पसंद करते हो वैसे ही वीडियोज YouTube के ऊपर आपको दिखाए जाते हैं थंबनेल्स के माध्यम से। सो ये डेटा का गेम है, फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पूरा का पूरा डेटा के ऊपर चल रहा है। सो आज हमारे देश दुनिया के अंदर जो भी चीजें चलती है सब कुछ डेटा के ऊपर चलती है, डेटा बिकते हैं, सब चीजें होती है, राइट। तो डेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यू शुड यूज रेड, जो है रेड फंक्शन है आपको उसको यूज करना चाहिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको कभी भी 6 महीने पुराने डेटा की जरूरत पड़ जाएगी, 1 साल पुराने डेटा की जरूरत पड़ जाएगी, तो यू हैव टू ऑलवेज आपके पास में एक बैकअप होना चाहिए। मतलब कि आपने हार्ड ड्राइव लगाई, उसको निकाला, दूसरी हार्ड ड्राइव लगाई, तीसरी हार्ड ड्राइव लगाई, सो इस तरह से आप हार्ड ड्राइव को लगा सकते हैं और आप आपके लिए बैकअप को रख सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आज का ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए, आपके क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हैं कि क्या रिकवरेबल है क्या नहीं है। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नई बातें, नई गैजेट्स और नई चीजों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।